हेलो, सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से मैं रवि जायसवाल, यूपी एफआई टीम से। मेरी बेस लोकेशन मेरी मुरादाबाद है। आप बहुत लोग जानते होंगे, आप लोग शायद मुझे, और बहुत से नहीं भी जानते होंगे। तो सब मैं सभी का स्वागत करता हूं इसमें, आज की मुलाकात में। आज हम बात करेंगे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को लेके। हमारी प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक हमारे उत्तर प्रदेश में है, जिसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में कुछ जानकारी बताऊंगा। इसमें क्या क्या हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, और कुछ बैंक की चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि हम अगर प्रथमा की बात करें, प्रथमा बैंक की, तो प्रथमा बैंक हम 20 से 21 जिलों में उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, जिसमें हम भी प्रथमा बैंक के संग मिलके काम करते हैं। हमारे बहुत से बीसी हैं इसमें जो काम कर रहे हैं। सेकंड क्या है, इसमें सरकारी बैंक है, हमारे बीसी काम करते हैं। तो इसमें मोस्टली हमारा जो वर्क होता है, जैसे आप सभी बीसी में एपीएस ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, सोशल स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं सब इसमें होती हैं। मैं इसके बारे में आपको अभी आगे और डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप सीएससी से कोई भी सेवा बैंकिंग की लेते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है आपके कि आप अपनी सीएससी आईडी और अपने डीजीपी पे पहले से अच्छा वर्क करें, जिससे कि हम आगे चल के आपको बैंकिंग प्रोवाइड कर सकें। आज बैंकिंग सिर्फ इसी उस पे प्रोवाइड होती है। आपके क्राइटेरिया पे क्राइटेरिया है कि आप अपने सीएससी आईडी और डीजीपी पे अच्छा कार्य कर रहे हो, और हमारी जो आईडी हो वो कम से कम 6 मंथ ओल्ड हो, जिससे कि हम उस पे आपका वर्क देख सकें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे सर्विसेज को लेके। प्रथमा में सबसे पहले, हाँ, मैं आपको बता दूं कि उसमें पोर्टल जो हम काम करते हैं वो इंटीग्रा कंपनी से रिलेटेड है, बेस्ड है, उस पे हम काम करते हैं। इस पे हमारी मॉर्फो ही यूज होती है, हम इस पे दूसरी डिवाइस यूज नहीं कर सकते, मॉर्फो ही हम यूज करते हैं, और अच्छा वर्क भी करती है मॉर्फो। सेकंड है कि इसमें जो हम कार्य करते हैं, इसमें PMJJY, APY, PMSY, सरकारी जो सोशल सिक्योरिटीज हैं उस पे कार्य करते हैं। सोशल सिक्योरिटीज में सबसे पहले APY आता है, जो अटल पेंशन योजना के नाम से जानते हैं हम, शायद सबको पता होगा, आपको जो बीसी में कार्यरत हो उनको ना। दूसरा PMJJY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, ये आप सबको पता होगा। एक है PMSY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके बारे में भी आपको आगे डिटेल में इसका कमीशन को लेके और सभी चीज को बताया जाएगा। प्रथमा बैंक हमारा जो प्रथमा बैंक का हेड ऑफिस है वो मुरादाबाद में है, जो मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में है प्रथमा बैंक का हेड ऑफिस। ठीक है, मैं आपको, एक आरआरबी के तौर पे बैंक काम भी करती है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में और आगे इसकी कमीशन के बारे में सब कुछ बताता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी, तो आप इसमें देखेंगे, मैंने आपके सामने इसका कमीशन का चार्ट ओपन करा हुआ है, जिसमें मैं आपको सभी सर्विसेज जो हैं और उसका कैसे आपको काम करने पे इसका आपको कमीशन मिलता है ये बताऊंगा। ठीक है, तो इसे आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है अकाउंट ओपनिंग। आप बीसी में जब अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो इसमें आपको टोटल इसका कमीशन 20 रुपये है, चाहते होंगे, आपको 20 रुपये मिलता है। लेकिन ये 2 पार्ट में मिलता है आपको। एक, जब आप खाता ओपन करेंगे, किसी का अकाउंट ओपन करेंगे, तो आपको 10 रुपये मिलेगा, और जब उसे आप फंडिंग कर देंगे 100 रुपये से, मिनिमम 100 रुपये से, तो फिर 10 रुपये आपको तब मिलेंगे। इसी प्रकार आपको 20 रुपये इसमें मिलता है। अगर आप वो खाता, आपने कोई खाता खोला और उसे एक्टिव नहीं कराया, उसमें इनिशियल फंडिंग नहीं करा, तो वो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी उसमें। सर,
रवि आप हमें सुन पा रहे होंगे, आप पर्टिकुलर पेज पे जाकर के जो स्लाइड शो हो रही है पीडीएफ की, उस पेज पर जाकर के उसे ड्रैग करिएगा, आपको स्क्रॉल करिएगा आवश्यकता अनुसार। इस पेज पे आपको बने रहने की जरूरत नहीं, आपका कैमरा और सारी चीजें विजुअल है, आप पर्टिकुलर पेज पे जाकर के डिस्प्ले करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया अभी अकाउंट ओपनिंग को लेकर, कि अकाउंट ओपनिंग में अभी आपको दो पार्ट में आपका कमीशन मिलता है, ठीक है। सेकंड आते हैं हम इसमें आरडी पे। आरडी आपको सबको पता होगा आरडी क्या होता है, एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसी छोटे छोटे अमाउंट में पर मंथ तो इसमें डिपॉजिट करते हैं। हमारे बीसी ये सुविधा दे सकते हैं सभी कस्टमर को अपने, तो इसमें भी एक कमीशन है आपका। कमीशन जैसे आप सामने स्क्रीन देख रहे होंगे सेकंड नंबर पे, तो इसमें आपको 5 रुपए पर अकाउंट मिलता है, पर आईडी पे जितना भी आप आईडी ओपन करेंगे 5 रुपए पर। अगर इस पे आप ऑटो रिन्यूअल पे यस करते हैं, इस पे एक ऑटो रिन्यूअल का आता है, इसे क्लोज नहीं, मान लीजिए आपने एक अवधि चुनी 1 साल तक, मतलब 12 महीने तक आप इसे चलाना चाहते हैं और उसके बाद ऑटो रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो फिर इस पे आपको वो 7 रुपए मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं इस पे 3 नंबर पे, जिसमें हमारा कैश डिपॉजिट है, जो बीसी का एक बहुत महत्वपूर्ण का होता है कैश डिपॉजिट। ऑन बैंक में प्रथमा में ही, अगर आप किसी कस्टमर का प्रथमा बैंक में ही पैसा जमा करते हैं, आप प्रथमा बैंक के बीसी हैं, तो उसका कमीशन चार्ट इस प्रकार है कि आपको उस पे कैश डिपॉजिट का 40% मिलेगा, सॉरी 0.40%, जिससे 0.40%, ठीक है, ऑफ द ट्रांजेक्शन लिमिट, उसका अमाउंट का मैक्सिमम 50 रुपए मिल सकता है, आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये क्राइटेरिया है कि 0.40 और मैक्सिमम 50 रुपीज, इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। फोर्थ पे आते हैं हम, फोर्थ पे आपको दिखाते हैं कैश डिपॉजिट है, अदर बैंक में अगर आप करते हैं, आप प्रथमा में नहीं करते, स्टेट में करते हैं, प्रथमा बैंक के अपने बीसी से, स्टेट पीएनबी या किसी और में करते हैं, तो आपको 0.25% मिलेगा, मैक्सिमम 12 रुपए आपको इसमें मिलेंगे। इसी मैं आपको आगे से बताऊंगा फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर में अगर आप अपनी ही बैंक यानी प्रथमा बैंक के बीसी और प्रथमा बैंक में ही आप करते हैं, तो सेम है 0.40% और मैक्सिमम 10 रुपीज, इतना ही आपको मिलेगा इस पे। एक हम 8वें नंबर पे आते हैं, आप फंड ट्रांसफर करते हैं अदर बैंक में, तो इसका भी सेम है, फंड ट्रांसफर पे दोनों में आपको सेम कमीशन मिलेगा इन दोनों। ये आपको इतना काम नहीं आएगा, 10 नंबर पे हम थोड़ा स्किप करेंगे, ठीक है। मिनी स्टैंड पे आप, मिनी स्टेटमेंट पे आपको कोई बैलेंस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, बैलेंस इंक्वायरी पे आपको कमीशन नहीं है, बैलेंस इंक्वायरी अदर बैंक पे भी आपका कोई कमीशन नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, जो आपको मोस्टली काम रहेगा उसका ही हम सिर्फ आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा आगे कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है। एंड्रॉइड ऑफ माइक्रो एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस PMSBY, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हमारी 300 सुरक्षा योजना चलती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो सभी बैंक करती हैं, उसमें से एक होता है PMSBY, जिस इसी ये तीनों में से इस बी कम होता है सबसे, और इस पे जो आपको कमीशन मिलता है 1 रुपये मिलता है, ठीक है, इस पे आपको ईयर में 1 रुपये मिलता है। और ऐसे ही हमारी अगली जो सोशल स्कीम है PMJJBY, इसमें आपको मैंने तो स्टार्टिंग में इसका आपको सभी को फुल फॉर्म बता दी थी कि, तो इसमें जो हमें मिलता है वो 30 रुपए पर एनरोलमेंट में मिलता है, और APY में आपको 50 रुपए पर एनरोलमेंट मिलता है। और अगर आप इसका टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो 60 रुपए पहुंच जाता है, अगर आप 60 APY कर देते हैं, तो ये क्राइटेरिया है। सर हम आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर, आधार सीडिंग थ्रू बायोमेट्रिक ओनली। अगर आप आधार सीडिंग करते हैं, एक सुविधा है आधार सीडिंग, आप कस्टमर के कभी होता है कि कस्टमर के खाते में आधार नहीं लगा हुआ है, बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं आपके पास, तो उसको उसकी बहुत अच्छी सर्विस है, आप आधार सीडिंग करके भी आपका पर उस पर 5 रुपए आधार सीडिंग पे बन जाएगा। आगे चलते हैं,
एक 18 सर्विस है ये, मैं आपको बताता हूँ। ये मोस्टली बीसी के लिए नहीं है क्योंकि इसमें ब्रांच का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये एक लोन का है जो लिंक करने का उसका वो होता है, तो इसे हम स्किप करेंगे। हम 19वें नंबर पे आएंगे, रिन्यू आरडी पे, जो आपका इस पे आप अगर किसी की आरडी रिन्यू करते हैं तो उस पे आपको 2 रुपए अकाउंट, और अगर इस पे आप रिन्यूअल के समय इस पे यस कर देते हैं रिन्यूअल के ऑप्शन पे, तो आपको 5 रुपए इस पे कमीशन मिलेगा। एनईएफटी आता है 40% है, 0.40% है, मैक्सिमम 10 रुपए। मोबाइल सीडिंग है 5 रुपए पर सीडिंग पे आपको मिलेगा। पासबुक अपडेट, पासबुक अपडेट को लेके अक्सर हमारे बीसी में या फिर बीएलई में ये रहता है कि कोई पासबुक प्रिंटिंग कैसे कर रहा है, तो बैंक का कर रहा है या फिर बैंक कैसे, तो नहीं, इसमें क्या होता है, सभी पहले तो बीसी ये समझे कि पासबुक प्रिंट जो है उसका पहला पेज जो बैंक से ही आपको प्रिंट कराना होता है, फिर आगे आप उसे प्रिंट कर सकते हैं बाकी ये आधार के थ्रू, यूआईडी के थ्रू, जो उसकी जो लेन देन का ब्यौरा होता है वो आप सिर्फ वही अपडेट कर सकते हैं। हम फर्स्ट पेज आपको ब्रांच से ही प्रिंट करा के लाना होता है, उस पे आपको पर पासबुक पर डे आपको 5 रुपए मिलता है। आगे बढ़ते हैं, चेक कलेक्शन, अगर आप चेक का कलेक्शन करते हो ब्रांच में तो उस पर 5 रुपए पर अकाउंट आपको मिलता है। अगर नई रिक्वेस्ट, चेक की नई रिक्वेस्ट लगवाते हैं तो भी आपको 5 रुपए पर अकाउंट मिलता है। स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, अगर आप किसी चेक किसी ने इशू कर दिया है आप और वो बाद में स्टॉप कराना चाहता है किसी वजह से, कोई वजह हो सकती है, तो उस पर भी आपको अगर आप बुक करवाते हैं तो 5 रुपए पर अकाउंट मिलता है। ठीक है, चेक स्टेटस इंक्वायरी पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप रिक्वेस्ट लगवाते हैं, SMS अलर्ट, ईमेल स्टेटमेंट, अगर आप इसमें से कुछ भी लगाते हैं इस रिक्वेस्ट और SMS अलर्ट या ईमेल का आप इसे अपडेट करते हैं तो 5 रुपए पर अकाउंट आपको उसमें मिलता है। BBPS सर्विस आती है, 5 रुपए पर बिल है। अप्लाई फॉर रुपए, अगर किसी का रुपए डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो 5 रुपए पर अकाउंट है उस पर, किसी का डेबिट कार्ड ब्लॉक 5 रुपए उस पर। आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी सर्विस ऐसी हैं जो आपको दे रखी हैं, बीसी को दे रखी हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक ने, यानी कमीशन जो आपका है वो इन चीजों से बहुत अच्छा हाई हो सकता है, और आप इतना अच्छा अपना एक इनकम का सोर्स बना सकते हैं। आप लोग पहले ही जो बीसी हैं वो हमारे अच्छा काम करते हैं, और जो अभी बीसी आने वाले समय में बनेंगे प्रथमा के, तो ये उनके लिए भी है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको हर चीज का एक कमीशन है इसमें। क्या हम आगे बढ़ते हैं, पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट ऑफिकेशन, 5 रुपए पर सर्टिफिकेट आपको है इस पे। सुकन्या समृद्धि, सुकन्या समृद्धि एक स्कीम है बहुत अच्छी बैंक की, सभी बैंकों में लगभग ये, तो इसमें आपको 10 रुपए पर एनरोलमेंट मिलेगा। PPF अकाउंट ओपनिंग पे आपको 10 रुपए पर अकाउंट मिलेगा, और रिकवरी कलेक्शन, ये रिकवरी कलेक्शन एक बहुत अच्छा अभी है PNB जो रिकवरी में, सभी बैंकों में जो रिकवरी मैं देखता हूँ उसमें रिकवरी में सबसे अच्छा अमाउंट जो पे करता है वो PNB और प्रथमा ही करती है। क्या तो आप हमारे जो बीसी हैं वो रिकवरी जरूर कराएं, और जो भी हमारे बीसी आगे बनेंगे वो भी अपना रिकवरी के लिए तैयार रहें, क्योंकि उस पे जो NPA अकाउंट होते हैं उस पे 5% और रिकवरी में, और जो SMA सेकंड अकाउंट होता है SMA 2 उसमें आपको 2.5%। ये अभी थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, मैं अपडेट आगे हम लोग मिलेंगे तो इसके बारे में जरूर बताऊंगा। आई थिंक इसका जो NPA है वो अभी 3.5% करा है इन्होंने, और 2.5% SMA 2 का है। ठीक है, वो हम आगे मिलेंगे तो बिल्कुल मैं आपको पूरे फॉर्मेट के संग मिलूंगा और बात आऊंगा। बस थैंक यू, ये चार्ट इतना था, उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं आपको आगे एक चीज बताता हूँ। अभी क्या है, जो हमारे बीसी वर्क कर रहे हैं उसमें कुछ बीसी क्या करते हैं कि कोई बीसी पैसा निकालने आता है तो उसका आपको सबसे जरूरी यह है कि आप उसके सारी डिटेल नोट करें, उसका आधार नंबर आप लेते हैं तो आधार के लास्ट के 4 डिजिट पूरा ना लिखें, आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट लिखें आप रजिस्टर में अपने, उसका अगर ट्रांजेक्शन आई डी, मोबाइल नंबर,
ठीक है, ये सब एक पूरा ट्रांजेक्शन रजिस्टर होता है, उसे प्रॉपरली मेंटेन करना है। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी एक ऐसी एंट्री भी ना हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपके पास उसका जवाब नहीं होगा। अगर उसका एंट्री है और कस्टमर के साइन है उसके, आपने अंगूठा लगवाया है, थम्स एंट्री करवाई है, तो भी एक उस पर आपके पास प्रूफ है कि आप वो कस्टमर आपके पास आया था, आपने उसकी सहमति से पैसा निकाला है। ठीक है, सेकंड क्या है, आप जो आपके लिमिट है आप उस पर ही वर्क करें। आपके लिमिट, आप एक कस्टमर को 10,000 रुपये निकाल के दे सकते हैं, 25,000 आप डिपॉजिट कर सकते हैं, तो आप इस पे ही वर्क करें। अभी हो सकता है कोई तरीका, आप लोग ऐसे पीछे मैंने प्रथमा हेड ऑफिस में कुछ ऐसी सूचनाएं आई थी कि कुछ हमारे को ऐसा बहुत अच्छी बात है, कोई वीसी हमारा नहीं था ऐसा, सीएससी में बहुत अच्छी है कि ये चीज है हमारी कंपनी में, हमारे परिवार जैसे हम लोग की हमारे वीसी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन बाकी जो 20,000 निकाल के देना लिमिट से ज्यादा, देखिए भी क्या लोग अपने लिमिट से काम करें। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि जो बैंक ने एक सुविधा दी है उसी पर चलें, गाइडलाइंस के अनुसार आप उससे अलग नहीं जाएं बिल्कुल भी। ठीक है, सेकंड, आप किसी का अकाउंट ओपन करते हैं, तो अकाउंट ओपन जब आप किसी का करते हैं तो उसकी प्रॉपर डिटेल, एक अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर, उसे बिल्कुल आप मेंटेन करें अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर को, प्लस उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो कस्टमर का जरूर लें, जो आप अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर में भी आप उसे ताकि लगाएं, जिससे आपको एक याद रहे कि ये इन्हीं का अकाउंट है, क्योंकि आप पासबुक बाद में देते हैं, हैंड टू हैंड नहीं दे पाते हैं। थर्ड चीज, आप विजिट रजिस्टर है आपका, आप उसे मेंटेन करें। जब भी कोई अधिकारी आपके डीएम डीसी आपके जिले के, या फिर आपके बैंक अधिकारी, या फिर मैं एफआई मैनेजर आपके आते हैं, तो आप जरूर उस पर साइन कराएं, ताकि ये हो कि उनका भी फर्ज है कि साइन कराएं और आपका भी, आप उनसे कराएं, ब्रांच से भी कोई कराए। ठीक है, थर्ड, आप उसमें कंप्लेंट रजिस्टर है, आप उसे भी मेंटेन करें। अगर किसी कस्टमर को आपसे कोई कंप्लेंट है तो वो एंट्री करें, आप वहाँ रखें उस रजिस्टर को। ये पूरा सेट आपको हमारे ग्रामीण स्टोर पे मिल जाएगा रजिस्टर का, जो आपको वहां से आप बताना चाहूंगा कि बहुत बार देखा जाता है कि जिसके पास बीसी है किसी गवर्नमेंट बैंक का, इनका तो बहुत से बीसी हमारे ऐसे होते हैं जो बैंक का बैनर बहुत अच्छा लगाते हैं, बहुत अच्छा सेंटर बनाते हैं, पर सीएससी की ब्रांडिंग आप लोग कहीं उसमें कमी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको पहले सीएससी की ब्रांडिंग पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, वो भी आप हमारे सीएससी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इसके लिए अब मैं आपको काम करने का, मैंने आपको तरीका बताया कि आपको अपने रजिस्टर मेंटेन करके रखने हैं बिल्कुल। ठीक है, हो सके आप थर्मल प्रिंटर लगाएं, जिससे आप उसको स्लिप दे सकें कस्टमर को, और आप अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन करें, और अपना विजिट रजिस्टर मैंने आपको बताया आप ये मेंटेन करें। ठीक है, आपको मेन जो कमीशन चार्ट सर्विसेज है मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, उसे आप उसके बिल्कुल उस पर ही काम करें। आगे आप अच्छा काम करेंगे अपनी सीएससी आईडी डीजीपे पे, और अच्छा काम करेंगे तो आगे लोकेशन आने पर आपको जिले में डीएम डीसी में बताया जाएगा, और बिल्कुल आप तो उम्मीद है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक प्रोवाइड करी जाएगी, अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तब। मैंने आपको सभी कुछ शेयर करा है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी आपको सब बताया ही है। ठीक है, बाकी आप लोग हमारे टीम के संग हमेशा कनेक्ट रहते हैं सभी, तो आपसे उम्मीद है अब मैं इसी के संग आपसे विदा भी लूंगा। मैंने आपको सब चीज डिटेल में बताया, उम्मीद है आपको आया भी होगा, हम आगे भी मिलते रहेंगे, ऐसे सीजन हम करते रहेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। अजय सर,